सो पठान के एडवांस बुकिंग कलेक्शन को लेकर एक और काफी बड़ा रिपोर्ट निकल के आ रही है। कल वाला रिपोर्ट में मैं तुम लोगों को बताया था कहां कहां से इस फिल्म ने कितना कितना कलेक्शन करा हुआ है, बट अभी अभी जो रिपोर्ट निकल के आ रहा है, इस रिपोर्ट के माने तो पठान के एडवांस बुकिंग कलेक्शन ने KGF चैप्टर 2 के एडवांस बुकिंग कलेक्शन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया हुआ है। हाँ, तुम सबने सही सुना, किस जगह पे तोड़ा हुआ है इस पर हम लोग बातें करेंगे। मैं तुमको हवा हवाई बातें नहीं करने वाला हूँ कि हाँ कि KGF चैप्टर 2 का पठान इतना टिकट बेच के रिकॉर्ड तोड़ सकता है मैं हम लोग बात नहीं करेंगे। रिकॉर्ड तोड़ दिया है, कहाँ रिकॉर्ड तोड़ा है इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ अभी तक इंडिया में पठान की एडवांस बुकिंग कैसी चल रही है इस पर भी तुम्हारा भाई नजर डालने वाला है। तो वीडियो होने वाली है काफी ज्यादा इंटरेस्ट है, इसलिए वीडियो को प्रॉपर तुम्हें लास्ट में देखना। और अभी तक जो भी अलग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना यार। सो बैक टू पॉइंट, आते हैं पठान के एडवांस बुकिंग कलेक्शन पे। सो सबसे पहले बात करते हैं अभी तक पठान के टिकट कितना बिके हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट करता है यार, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो काफी बार पूछ रहे हैं कि अभी तक एडवांस बुकिंग में पठान ने कितने टिकट को सेल कर दिए हुए हैं। भाई अभी तक जितना ये आयोनेक्स, PVR, सिनेपोलिस, ये तीनों का ना ऑफिशियल फिगर लगभग निकल के आ चुका है। ये तीनों के तरफ से पठान के टिकट बिके हुए हैं 1,71,500, 1,71,500 टिकट बिक चुके हैं ये तीनों चेन में। एक बार और तुम लोग सुन लो, PVR के 75,500 टिकट बिके हुए हैं, 75,500 टिकट बेचे हैं PVR के। आयोनेक्स की बात करें तो आयोनेक्स ने टिकट बेचे हुए हैं 60,500। इसके साथ से सिनेपोलिस की बात करें, सिनेपोलिस थोड़ा पीछे है, सिनेपोलिस ने अभी तक टिकट बेचे हुए हैं 35,500। और ये तीनों को कैलकुलेट करते हैं तो टोटल निकलता है 1,71,500। ये हो गई, ये जो चेन है, जो थिएटर जो चेन है, वहां से ये फिगर निकल के आ रही है। एक चीज और मैं तुम लोगों को बता दूं, ये फिगर ना कल रात तक की है, ऑफिशियल फिगर रात रात में ये लोग निकालते हैं चेन वाले कि हाँ कि आज दिन भर में इतना टिकट बिके हुए हैं। एक बार सोचो ना तुम लोग, कल ही इस फिल्म का ना 11-12 बजे के आसपास ना एडवांस बुकिंग ओपन हुए हुए थे, और रात तक के अंदर पठान ने 1,71,500 टिकट को बेच दिया। ये सब चीजें जब भी हेटर्स लोग सुन रहे हैं, बोल रहे हैं अबे तेरी, हम लोग तो बॉयकट कर रहे थे बट पब्लिक तो इस फिल्म को देखने जा रही है, ना इंसाफ भी हो रहा है, बदला लेंगे हम लोग, जरूर लेंगे, अबे घंटा मेरा बदला लेंगे। बात करते हैं हम KGF चैप्टर 2 का क्या सीन निकल के आ रहा है। KGF चैप्टर 2 ने अपने एडवांस बुकिंग में 5.15 लाख टिकट बेचे हुए थे। अभी पठान है ना बहुत पीछे है KGF से। मैं तुम लोगों को बताऊंगा एक्चुअली में कहां रिकॉर्ड तोड़ा हुआ है। हवा वाई बात नहीं करूंगा कि हाँ कि अभी तोड़ने वाली है, तोड़ सकती है, ऐसे बात नहीं करूंगा। तोड़ा है पठान KGF चैप्टर 2 के एडवांस बुकिंग में रिकॉर्ड को। KGF के बाद आता है ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र ने टिकट बेचे हुए थे 3.02 लाख। ये टिकट को लेकर भाई मैं कंफर्मेशन नहीं देता हूँ क्योंकि उस टाइम क्या चल रहा था सबको पता है, लेकिन हाँ ये पठान के साथ में सीरियसली ग्राउंड लेवल की मैं बात बता रहा हूँ, ऐसे पब्लिक टिकट बुक कर रही है। पठान ने टिकट बेच दिए हुए हैं 1,71,500। बट अच्छा बात ये है, आज से ना 4 दिन बचे हुए हैं ये फिल्म को रिलीज होने में, तो इस वजह से शायद कहीं ये ना KGF चैप्टर 2 के एडवांस बुकिंग के रिकॉर्ड को तोड़ सकती है। बट इतना तो 110% कंफर्म है, जो फिगर ब्रह्मास्त्र वाले ने दिया हुआ था कि 3 लाख हम लोगों ने टिकट बेचे हुए हैं एडवांस बुकिंग में, ये तो भाई पठान तो इजीली ऐसे चुटकी बजा कर तोड़ देगी ब्रह्मास्त्र का। बट KGF का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी या फिर नहीं, ये तो टाइम ही बताएगा। अब हम लोग बात करते हैं एक्चुअली में ये फिल्म ने कहां रिकॉर्ड तोड़ा हुआ है KGF चैप्टर 2 का। KGF चैप्टर 2 ने जर्मनी में 1.02 करोड़ का कलेक्शन करा हुआ था एडवांस बुकिंग के साथ साथ। वहां जर्मनी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से KGF चैप्टर 2 का इतना कलेक्शन आया हुआ था 1.02 करोड़ का। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो पठान है, पठान ने यह फिल्म का एडवांस बुकिंग में ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अभी तक यह फिल्म के एडवांस बुकिंग हुए हैं, मीन्स पठान के एडवांस बुकिंग हुए हैं जर्मनी में 1.32 करोड़ का। मौसम बिगड़ने वाला है मैन, मौसम बिगड़ चुका है। तुमने बता, तुम लोग इसमें क्या कहना है, कौन कौन टिकट को बुक कर लिया, टिकट को बुक कर लिया हो तो भाई मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करो और मेंशन करो मैन। इंस्टाग्राम स्टोरी पे तुम्हारा भाई भी मेंशन करने वाली है, क्योंकि आप लोगों का एक ही मोटिव है, ये फिल्म को ना बॉक्स ऑफिस पे ना भौकाल मचवा देना है। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसके साथ साथ जो हेटर्स है उनका पिछवाड़ा भी जला देना है, एक ही मोटिव है यार, क्योंकि सीरियसली मैन ये फिल्म में मुझे ऐसा लग रहा है
ट्रेलर या सब देखने के बाद थोड़ा पोटेंशियल हो सकता है, बट तुम लोग भगवान से अभी भी प्रे करो सिद्धार्थ आनंद थोड़ा कहानी में मतलब फोकस किए हो, क्योंकि सिद्धार्थ आनंद ज़्यादा कहानी पर फोकस नहीं करते हैं, ये बात को हम लोग डिनाई नहीं कर सकते। पठान के साथ अब ऐसा आलम हो रखा है, लोग सिर्फ ना शाहरुख खान को देखने के लिए टिकट बुक कर रहे हैं। मेरे बहुत ऐसे जो चाहने वाले दोस्त लोग हैं वो लोग सिर्फ शाहरुख खान को देखने के लिए ही टिकट बुक कर रहे हैं, इसी को तो स्टार्डम बोलते हैं। और अभी तक ऑफिशियल फिगर लगभग निकल के आ चुका है कि पठान ने अपने एडवांस बुकिंग में 15 करोड़ का कलेक्शन कर लिया हुआ है। एक और मजे की मैं तुम लोग को बात बता दूं, ये ना पैंडेमिक के बाद ना सबसे बड़ी फिल्म बन गई है बॉलीवुड की, जिस फिल्म को लेके पब्लिक इतना ज्यादा उत्सुकता दिखा रही है देखने के लिए। तो चलो फिर इस वीडियो में बस इतना ही, अगर ये वीडियो तुम सबको ज्यादा भी पसंद आया तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ओपिनियन तुम्हें कमेंट करके जरूर बताना। सो चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मचाते रहो और हेटर्स की जलाते रहो।